नमस्कार, मैं दीपक सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। एंड वीडियो का जो टाइटल पढ़ के आप यहाँ पे आए हैं उसके बारे में दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, जिसमें आपकी कमाई, आपकी प्रॉफिट में बहुत सहायता करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा शेयर मार्केटिंग क्या है, बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ। शेयर बाजार विश्व का बहुत ही पुराना व्यापार है, बहुत ही पुराना धंधा है। ये 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी में जब दूर अलग अलग देशों से जब भारत में अलग अलग व्यापारी आते थे, यहाँ से कच्चे सामान को ले जाके, कच्चे माल को ले जाके अपने देश में महंगे दामों पे वो व्यापार किया करते थे, बेचा करते थे। लेकिन जब बहुत समय तक ऐसा चलते रहा तो भारत में जो पूंजीपति लोग जो थे, जो यहाँ से सामान, कच्चा माल जो देते थे, उन लोगों ने क्या किया, फिर उन सब चीज़ों पर फिर कुछ क्वेश्चन मार्क, मतलब कि वहाँ पे पॉइंट लगा दिए, शर्त रख दिए। जो बाहर से जो व्यापारी हमारे देश में जो आते थे उनके लिए शर्त लगा दिया कि जब आप यहाँ से, अब आप पहले तो ऐसे ले जाया करते थे, यहाँ से सामान ले जाते थे कुछ पैसों में, डायरेक्ट वहाँ जाके महंगे में बेचते थे, लेकिन शर्त ये लगाया हमारे देश के लोगों ने कि अब आप यहाँ से सामान जब ले जाएंगे कुछ, तो आप कम दाम में तो ले जाइएगा, लेकिन अगर आप कम कीमत पे हमारे से ले जाएंगे और अपने देश में जब आप जाके बेचेंगे महंगे कीमत पे, तो आपकी जो प्रॉफिट होगी उसमें से कुछ हिस्सा मुझे भी आपको देना होगा, तभी मैं आपको कम कीमत में हमारे यहाँ से आपको सामान दूंगा। ये तब से शुरुआत हुई 1500 ईस्वी 1600 ईस्वी, आप समझ रहे हैं मैं कितने वर्षों की बात कर रहा हूँ, 400-500 साल पहले से, तब से। लेकिन अधिकतम लोगों को ज़्यादातर जानकारी ना होने के कारण लोग शेयर बाजार में नहीं आते। अब मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ, शेयर मार्केटिंग क्या था, एक छोटा सा झलक मैंने आपको बताया इतिहास के बारे में, और अब मैं आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केटिंग में क्यों आप लोगों को काम करना चाहिए, क्यों हर एक इंसान को शेयर बाजार में अपनी हिस्सेदारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये विश्वास योग्य है। दूसरा चीज है, हाँ, जोखिम होता है तब जब आपको इसकी जानकारी नहीं होती, जब आपको शेयर बाजार का तजुर्बा नहीं होता है, मार्केट कब अप होगा, मार्केट कब डाउन होगा, इसका जानकारी नहीं होता, लेकिन लोग पैशन में आके, एक्साइटमेंट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और शायद एक अच्छी गाइडलाइन ना होने के कारण वहां पे बहुत सारा लॉस कर जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केटिंग में क्या है। जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि मैंने कोई कंपनी खड़ा करना है, मुझे कोई कंपनी खड़ी करनी है, लेकिन मेरे पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं है। मुझे अगर 10 लाख रुपए चाहिए कोई कंपनी खड़ी करने के लिए, लेकिन मेरे पास मात्र 1 लाख रुपए है, या फिर यूं कहें कि मेरे पास 10,000 रुपए है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे कंपनी खड़ी करनी है, मुझे बड़ा बिजनेस करना है, मेरे पास उतनी पैसे भी नहीं है, तब मैं क्या करूंगा, मैं अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है तो मैं 9 अलग अलग लोगों को भी कलेक्ट करूंगा, मैं 9 अलग अलग लोगों से मैं बात करूंगा कि अपने दोस्तों से, अपने या फिर अपने जानकार लोगों से जिनको भी मैं जानता हूं, कि मैं ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरी प्रोडक्ट है और ये मैं कंपनी खड़ा करने जा रहा हूं, बहुत अच्छा कमाई हम लोग करेंगे, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी सहायता करें, और उन 9 लोगों से 1-1 लाख रुपये भी मैं लूंगा। मतलब कि शेयर कर दिया मैंने अपने बिजनेस को 9 लोगों में, कंपनी मैं खड़ा कर रहा हूँ, नाम मेरा ही होगा, कंपनी मेरी, लोग जानेंगे कि दीपक सिन्हा की कंपनी है, मतलब मेरी कंपनी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने उस कंपनी के बेस में अपने 9 अलग पार्टनर्स को भी रखा है, मतलब उन 9 लोगों का भी 1,00,000 रुपया लगा हुआ है, और उन 9 लोगों को मैंने फिक्स कर दिया कि आपने जो 1,00,000 रुपया दिया है सबको हिस्सेदारी मैंने दे दिया, कि आपको 1,00,000 रुपया आपने दिया है तो इतना परसेंट आपको मैंने दे दिया, मतलब कि 10 लाख मुझे चाहिए थे, उस 10 लाख में से मात्र 10% जो था वो मेरा अपना शेयर था, और बाकी के 90% शेयर 9 अलग अलग लोगों में मैंने बांट दिए, दैट इज शेयर मार्केटिंग। ये क्लियर हो गया। और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आपको एक अच्छा गाइडलाइन अगर कोई देता है, आज आपके पास अगर कम पैसे हैं, मतलब बहुत ही कम पैसे हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छा गाइडलाइन अगर आपको मिल जाता है, एक अच्छा मार्गदर्शक जो कि आपको ये बताता है कि मार्केट कब उठने वाला है, जिनको कि अलग अलग प्रोडक्ट्स, अलग अलग कंपनियों के बारे में जानकारी होती है कि हाँ इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बढ़ रही है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है, इसको लोग ज़्यादा खरीदने जा रहे हैं, है ना, और आप खुद से आकलन नहीं कर पाएंगे अगर आपको तजुर्बा नहीं है, तो धीरे धीरे करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि जब आपको ये गाइडलाइन जब मिलने लगता है लोगों के द्वारा, तो आपका कुछ पैसा ही कुछ समय में जैसे जैसे मार्केट बढ़ने लगता है वैसे वैसे आपको प्रॉफिट दे जाता है। आप बैंक में FD रखते हैं अपने पैसों का, वो कुछ परसेंटेज आपको 5-7 सालों में देती है, लेकिन अगर आप शेयर बाजार में अगर एक अच्छे मार्गदर्शक के साथ जुड़ के अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, मतलब लगाएंगे, हर इंसान अपने घर में कुछ ना कुछ पैसे सेविंग्स रखता है,
आप सहमति देंगे कि हर इंसान अपने घर में कुछ ना कुछ पैसे सेफ रखता है या फिर बचा के रखता है, बचत करता है, बैंक में डिपॉजिट रखता है, एफडी वगैरह करवाता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि अगर एक अच्छा सलाहकार आपको मिल जाए जिसको कि शेयर बाजार का तजुर्बा है, तो उसके साथ एकदम देर ना करें, एक छोटे से अमाउंट से ही स्टार्ट करिए, 500-1000 रुपये से ही स्टार्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा इन्वेस्ट करें, लेकिन वो भी 500-1000 में से भी, 1500 में से भी, आप जब आपका सलाहकार आपको ईमानदारी से जब आपको बता रहा है कि हाँ, जब आप उस पे जिस पे ट्रस्ट करते हैं, वैसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, आप मेरे चैनल में भी आप जुड़ के रह सकते हैं, क्योंकि खोने के लिए मेरे जीवन में कुछ नहीं था, जितनी भी चीज़ें थी मैंने पास्ट में खो दी, अब आगे सिर्फ लोगों से ईमानदार होता हूँ और जो सच्ची बातें हैं वही करता हूँ, तो आप मेरे से जुड़ के रह सकते हैं। जितनी जानकारी मेरे पास है, जो एक्सपीरियंस है, मैं आप लोग से शेयर करूंगा। इवन मुझे भी लोग ऊपर से टीच करते हैं जो कि मेरे सीनियर्स हैं, जो मुझे गाइड करते हैं, तो वो सारे गाइडलाइंस भी आपको मैं शेयर करूंगा। तो मैं कहाँ था, मैं इसी टॉपिक पे था। तो अच्छे सलाहकार अगर आपको मिल गए, तो आप अपने छोटे से अमाउंट से क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करने के बाद छोटा छोटा अमाउंट कर करके, अगर आपने आज अगर 500 रुपये का अगर कोई शेयर लिया है, 500 रुपये का कल होके 510 रुपया होगा, 520 रुपया होगा, 50 रुपया होगा, महीने भर में 30 दिनों में बहुत प्राइस भाग जाती है ना। और कभी कभी मार्केट डाउन भी हो जाता है, कभी मतलब कि मार्केट अगर कोई कंपनी का अगर अच्छा नहीं चल रहा है, मार्केट क्रैश अगर हो रही है, तो वो थोड़ा डाउन होगा, लेकिन घबराने का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप पेशेंस रखें, वो फिर से बढ़ेगा, और जैसे ही जब बढ़ेगा तो आप पैसे आप निकाल सकते हैं। तो ये प्रॉफिट है, आपका पैसा ही आपके लिए काम कर रहा है, मतलब कि आप खुद जो काम कर रहे हैं ही, लेकिन वो आपका पैसा है और आपके लिए ही काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने अपने पैसे को सेव करके रखा है, तो कभी ना कभी वो खर्च होगा, आपने खर्च करने के लिए ही रखा है, जो सेविंग रखा है वो इन फ्यूचर कभी ना कभी खर्च करने के लिए ही रखा है। लेकिन अगर आप अपने पैसे से काम करवा रहे हैं, तो वो पैसा आपके लिए काम कर रहा है, और वो दिन प्रतिदिन पैसा आपके लिए काम करते जाएगा, आपकी कमाई को बढ़ा रहा है। अगर आपने 500 रुपये रखे हैं, तो कल के डेट में 500 से वो 550 होगा, 600 होगा, फिर 700 होगा, 1000 रुपया होगा, वही 500 पता चलेगा कि एक दिन आपको 25,000, 30,000, 50,000 ऐसे बन जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो ये है, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, बस वहाँ पे जरूरी क्या है कि आपको जानकारी होनी चाहिए इसकी सही, नहीं तो ज़्यादातर लोग तो इस रिस्क में नहीं करते हैं। लोगों को लगता है कि बहुत रिस्की होता है, रिस्की क्यों होता है, अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है तो वो रिस्की है, और जिस चीज़ की आपको जानकारी है तो वो रिस्की नहीं है, बस यही एक बात है। और शेयर मार्केटिंग बहुत ही अच्छा व्यापार है, इतना पुराना धंधा है, आप एकदम निवेश करें, अच्छे लोगों के साथ मिलके आप मेरे साथ जुड़ के रह सकते हैं। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से मैंने क्लियर किया होगा छोटे से शब्दों में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर लें, आपको ऐसे बहुत सारे अपडेट और रियल वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, धन्यवाद।